आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने हज यात्रियों से पटना रेलवे स्टेशन पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम के 5 फर्ज में से एक फर्ज हज है। आज इस फर्ज की अदायगी को पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा से रवाना के क्रम में पटना पहुँचे हजियों का स्वागत और खैर मकदम हमने पटना जंक्शन पर गुलाब देकर किया। तमाम हाजी आज संध्या हज के लिए सऊदी अरब के मक्का को रवाना होंगे। जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हज यात्रियों को मुबारकबाद दी और हज मुबारक के दौरान हमारे मुल्क में अमन और भाईचारगी बरकरार रहे, इसके लिए खुसूसी दुआ की दरखास्त की। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। आइए चलते हैं और सुनते हैं पप्पू यादव को। इससे बड़ा पाक दिन कुछ नहीं हो सकता, जब हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हम सबको एक संस्कार दिया जीने की, इंसानियत की, मानवता की, दुनिया के लिए जीने की, हमेशा एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी को मोहम्मद साहब ने कहीं जकात के रूप में, कहीं दस्तरखान के रूप में, ना जाने हर तरह के गुनाह को ख़त्म कर अल्लाह ताला जिनको बुलाते हैं, जैसे हजरत हुसैन को का चयन मोहम्मद साहब ने किया, उस तरह अल्लाह के नज़रों में जिनकी पूर्णतम इंसानियत की जो मुकम्मल जिंदगी है पूरी हो जाती है, तो उनको हज के लिए बुलाते हैं। और हज एक ऐसी चीज़ है जो संपूर्ण दुनिया की खुशियों के लिए, मुस्कुराहट के लिए, संपूर्ण दुनिया मोहब्बत के पैगाम के लिए, हर तरह की बुराइयों, नफरत, हर तरह की ऐसे विचार जो इंसानियत के लिए खतरा हो, दुनिया अमन से, चैन से जी सके, मोहब्बत के रास्ते पे चल सके, इसके लिए हमारे वालिद, हमारे बुजुर्ग सभी लोग आज 6 बजे के बाद हज कमेटी से जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के आज से लेकर 3 दिनों तक पूर्णिया, उस इलाके के जो सीमांचल कोसी के लोग जाएंगे, उसके लिए बड़े तादाद में लोग इस दुआ में शरीक होने के लिए आए हैं। कि हम सब भी खुशनसीबी है कि ऐसे पाक समय में हम अपने बुजुर्गों के दुआ के साथ खड़े हैं। इससे बड़ा जन्नत कुछ हो नहीं सकती। मुझे उम्मीद है जब ये लौट के आएंगे तो बिहार के 14.5 करोड़ और देश के 140 करोड़ लोगों के दुआ को करने जो जा रहे हैं, उसको ले के आएंगे हमारे देश की अमन की, खुशहाली की और 140 करोड़ लोगों की जिंदगी के मुस्कुराहट के लिए। मैं इसीलिए इस स्टेशन पर अपने परिवार को जो सहरसा से सैकड़ों में लोग आए हैं, हम लोग आए और मुझे लगता है कि शाम में वो पल बहुत खुशनुमा पल होगा। वैसे तो बिछुड़ने का जो दर्द होता है, लेकिन ऐसे बिछुड़ने का जब अल्लाह के दरबार में जाते हैं, तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। हम दुनिया से, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो लोग इस हिंदुस्तान से पूरी आवाम की दुआओं के लिए जा रहा है, उन्हें सलामत से रखना और हिफाजत से हमारे घर लौटना।